यह है बिगनर्स फ्रेंडली हाउस प्लांट जिसका नाम है एस्पैरेगस फर्न। इसको प्लूमोसा और लेस फर्न भी बोलते हैं। ग्रीन फोलियज वाला, फैदरी लीव्स वाला बहुत अच्छा प्लांट है। ग्रो करना बहुत आसान है, मेंटेन करना भी बहुत आसान है, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। शेड लविंग प्लांट है, ह्यूमिडिटी पसंद करता है। इसका कोकेडामा भी बहुत अच्छा बनता है। इसका साइज और शेप अच्छा बनाने के लिए इसकी प्रूनिंग करते रहें। गार्डन को खूबसूरती देने वाला सॉफ्ट टेक्सचर का बहुत ही प्यारा प्लांट है। फ्रेंड्स, चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वेलकम टू अनीताज गैलेक्सी। ये मदर प्लांट है और इसमें से हमने कुछ प्लांट्स निकाल लिए हैं उनको अलग से प्रोपागेट करने के लिए। वो हमने यहाँ से निकाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने अपने बाहर दूसरे पॉट में से निकाल लिया है थोड़ा सा ये एस्पैरेगस, और इसको मैं अब हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी। इसका प्रोपागेशन बहुत आसान है। जैसे ये इकट्ठा एक एक वहीं पे लगा हुआ था ना, एक साथ है इस तरह से, तो इसमें से ये डिवाइड इस तरह से कर लेते हैं, अलग अलग इनको डिवाइड करके इसका आसानी से प्रोपागेशन हो जाता है। सीड से भी ग्रो होता है। सीड जैसे पुराना प्लांट हो गया तो उसमें सीड्स बनते हैं और उन सीड से भी ग्रो हो जाता है ये, तो इस तरह से इसका प्रोपागेशन हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बता रही थी कि इसको देखिए, ज़्यादा पानी अगर इसमें डाल देते हैं ना, तो इस तरह से इसके ये जो ट्यूबर्स हैं, ट्यूब ये वाले, ये जो रूट्स हैं इसकी, ये ट्यूब की तरह से होती हैं, तो इनको ट्यूबर्स बोलते हैं। और इन्हीं से ही आगे ये बढ़ता जाता है, डिवाइड हो के ये काफ़ी सारा बन जाता है, तो इन्हीं को अलग करके नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो जैसे ज़्यादा पानी डालते हैं तो उसमें ये इस तरह के इसके ये जो ट्यूबर्स हैं ऐसे खराब हो जाते हैं। ये मैं निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे खराब हो गए हैं ये, तो इसलिए पानी बहुत, इसको पानी की कम ही ज़रूरत होती है, बस मॉइस्ट मिट्टी इसको पसंद है। तो इस जो ये ट्यूबर्स हैं ना, इनको हम अलग अलग और भी अलग कर सकते हैं, जैसे हम इनको और निकाल अलग कर दें, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी, मैं और ज़्यादा अलग नहीं करूंगी। और ये काफ़ी सारे हैं मेरे पास इस तरह से, तो इनको सबको मैं एक ही साथ लगाऊंगी, और जो छोटे छोटे हैं इनको छोटे पॉट में एक एक सिंगल सिंगल लगा दूंगी इस तरह से। देखिए तो मेरे पास कई प्लांट बन जाएंगे, कई प्लांटर बन जाएंगे इस तरह से, कई पॉट बन जाएंगे। देखिए देखिए ये कितना छोटा सा प्लांट है, और इसमें देखिए तीन ट्यूबर हैं छोटे से प्लांट में, और कितना लश ग्रीन है, देखिए बहुत सुंदर लगता है ये एकदम लश ग्रीन। और जैसे धूप अगर इसको लग जाती है ना, तो धूप में इस तरह से इसके पत्ते जो है ना, पत्तियाँ छोटी छोटी तो पत्तियाँ हैं इसकी लीव्स, और ये एकदम येलो हो जाती हैं इस तरह से, देखिए सूख भी जाती हैं। अभी मैंने कुछ इसकी ब्रांचेस हटाई हैं, वो सूख गई थी, जैसे देखिए ये हैं, ये सूख गई थी, इसके ये भी ट्यूबर्स भी सूख गए थे देखिए। तो ये पानी ज़्यादा मिला इसको या धूप भी मिली, तो उससे इसको थोड़ा सा ये नुकसान हो गया। वैसे अदरवाइज इसकी ये इस तरह से लश ग्रीन होती हैं इसकी लीव्स। और दो तरह की होती है एस्पैरेगस, एक इस तरह की सॉफ्ट वाली होती है और एक कांटों वाली होती है, उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, लेकिन जो ये हमारी है ये सॉफ्ट वाली है, इसमें कोई कांटे नहीं है। और जब ये बढ़ जाती है ना पूरी, तो इसमें फिर ये नीचे ऐसे ट्रेल करती है नीचे इसमें से, पॉट में से, वो बहुत सुंदर लगती है। तो मैं इसलिए इनको हैंगिंग बास्केट में अभी लगाने जा रही हूँ, तो इनको एक साथ ऐसे ही लगा देते हैं, बस छोटे छोटे जो दो हैं ये वाले, इन दोनों को अलग लगा देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये कितना हेल्दी है इसका, ये इसकी रूट्स देखिए कितनी अच्छी आ रही हैं, ये ट्यूबर भी देखिए बिल्कुल हार्ड है ये, इसका जो स्टेम था वो टूट गया यहाँ से निकालते हुए। एक प्लांट ये भी है छोटा सा, देखिए फ्रेंड्स मैं इसमें हैंगिंग बास्केट में इसको लगाऊंगी। और इसमें मैंने जो मिट्टी बनाई है ना, वो उसमें गार्डन सॉयल ली है मैंने, अपने पुराने गमले की ही ली है, उसमें थोड़ी सी सैंड भी मिली हुई थी तो मैंने ऐसे ही ले ली। इसमें थोड़ा सा मैंने कोकोपीट मिलाई है, और इसमें थोड़ी सी मिलाई है मैंने कंपोस्ट। वैसे इसको कंपोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ी सी, जैसे अभी गमला बना रहे हैं ना, नया पॉट बना रहे हैं, तो उसमें हमने थोड़ी सी मिला ली है। तो इसको हम बस ऐसे ही, इनको अलग अलग भी लगा सकते हैं, जैसे ये अलग लगा दें, ये अलग और ये अलग, तो ये अपने आप ही डिवाइड होके बहुत सारा बन जाता है। और इनको इकट्ठा ऐसे भी लगा सकते हैं इस तरह से, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस ऐसे थोड़ा सा गड्ढा करके और बस इसको ऐसे लगा देंगे, और हल्के से इसकी
जो ये रूट्स हैं इनको कवर कर देंगे हल्का सा इसको, बस ऐसे लग गया ये। और जब अभी जैसे हमने लगाया है तो इस तरह से ये ट्यूबर्स जो हैं फैल यहाँ से डिवाइड हो के काफ़ी सारे बन जाएंगे, तो ये पूरा पॉट जो है भर जाएगा। जब ये पॉट पूरा भर जाएगा फिर अब फिर हम इसको अलग अलग करके डिवाइड करके और रिपॉट कर लेंगे, इसमें से अलग अलग दूसरे पॉट में भी बना लेंगे दूसरे प्लांट्स। और तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास बन जाएंगे। तो देखिए बस हो गया इसका प्रोपागेशन, इस तरह से बहुत आसान है इसका प्रोपागेशन और बहुत अच्छा प्लांट है। लेकिन मार्केट में थोड़ा सा महंगा मिलता है ये, 100 रुपीज़ से कम नहीं मिलता ये, और अलग अलग जगह की अलग अलग रेट होते हैं। हमारे इधर तो खैर 100 रुपीज़ से कम नहीं है ये, और मैंने तो काफ़ी पहले एक ही प्लांट लिया था और उसके बाद ये इतने सारे इसके बन गए। तो अब हमने इसको डिवाइड कर लिया और प्रोपागेशन डिवाइड करके और सीड से दो तरह से हो जाता है। सीड का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, उसका सीड का जर्मिनेशन होगा उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ेगा, और डिवाइड करके आराम से पूरा प्लांट ही हमें मिल जाता है डिवाइड करके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।